प्रयागराज जनपद से बड़ी खबर आपको बता दें। जनपद के मांडा थाना क्षेत्र के बबूरा गांव निवासी फूल कुमारी को प्रसव पीड़ा होने लगी। इस दौरान परिजनों के द्वारा फूल कुमारी को रामनगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था कि तभी रास्ते में फूल कुमारी की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को रामनगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां कुछ ही घंटे के बाद बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ और आशा बहू पर पैसे मांगने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पैसे न देने पर बच्चे का सही ढंग से इलाज और देखभाल नहीं किया गया, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत अधीक्षक नीरज पटेल से की है। बता दें कि रामनगर अधीक्षक नीरज पटेल का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए प्रयागराज जनपद से संवाददाता वैभव यादव की रिपोर्ट। तो पैसा बदे मांगे बदे के ले गए नहीं है कि पहले लिया हुआ लड़किया के कागज पर पाव छपाई तब पैसा मंजूर हुए तो वह लेके गए नहीं है हमारे बिटिया तो वहीं देर कहते अब हो गए पैसे और नेग दे दे तो जा। अच्छा। तो बनी कहता कि नेग हमसे लेबू कि उनसे चंस लेबू, हम तो बहन बिटिया ही हम अहू के दे तू पची। अच्छा। अब यह देखा इसे कही कहा भर हा भैया वहीं बिटिया हमारे लड़के लड़किया खड़ी रही। कौन बिटिया? मेरा रात। अच्छा। तो वही हवा लाग है लड़किया के बहू हव नहीं लागत हमार भैया। अच्छा ये बताओ जे मेढरा वाली है ने नहु कहत हैं का क्यों पैसा मांगत नहीं इनके नहीं बैंक का कोनो उ नहीं हम पछे कहत हैं हमके ते अपन ही वो बेचारा नहीं मांगे हैं पैसा जे बे मेढरा खई ने तो मान ला आप के संगे गई रहे हॉस्पिटल वाले मांगे ना। हां हॉस्पिटल वाले। अच्छा ये बताओ हमके जब आपके दादी स्वास्थ्य केंद्र मांडा पड़ा था तब मेजा कहाँ चली गई? यहाँ रामनगर कहाँ चली गई? उन्हें दीपक लगाई दीप पर बहुत डिलीवरी लेके जाय छ हम पछे नहीं पूछत है। बात सही बाटे आपके। तो दीपक किसे किसे बात भई रही? दीपक बेचारू तो रहबे ने केनो हमें मानो बहरे जहां का तो दवाई देती वो रहे ने इन्हें दवा वा लिखत रहन देत रहे ने। दीपक हॉस्पिटल में रहथिन का? हां वही रहथिन रामनगर रहथिन। हां रामनगर रहथिन मिर्जापुर कहन का घर है मतलब वो रामनगर रहा थी ना। दीपक से आप लोगों के संपर्क रहा का? हाँ हमारे रिश्तेदार ही है। अच्छा यही लगाई लेकिन क्या बना रही जो पत्थर की गोड़ के रही वो ना ही बेचारे मांगे हैं मेरे भैया वो पैसा ना ही मांगे हैं उनका कोनो रोल नहीं कुछ नहीं। अब औता वाली के रही ना? औता कहीं है मोट के हैं नहीं है सांवर के। अच्छा वो पैसा मांगे रहे उनसे दे रहे ना आप लोग? हाँ हमसे दिए है उन्होंने दिए है और यानी अवर जो कागज बनवा रहे लिखत रहे वो लिए है और जो ना हो गंदा बंदा फेंकत थी वो लिए है वो लेता न रहे भैया ऐसे बेचारू दीपक हाथे में पैसा उनके थिमावत है ना जबरदस्ती चला माला जो सफाई करते हैं पैसा नहीं मांगत रहे ना वही मांगनी है कि वही ना लेते रही वो नहीं लेते रहे ना जो सफाई करते हैं। हाँ वही ना लेते रही। अच्छा अब पैसा जबरदस्ती के मांगत रहा? जबरदस्ती सब मांगत रहे बहु हाँ सब कहे कि खुशी खुशी के दिन है ये लिया वो 500 दे और पेपर बना के खाते जिसकी तबीयत खराब हुई लड़का के तो पेपर बना के खाते क्यों पैसा मांगत रहा का? अभी मरते धू ले जाना है। अच्छा भाई हमें हम ना ही रहे और हम जहाँ मांगत रहे कि हमारे चाहे इतना दे तब लड़किया देव बन्नी से हमारे कहा है कि देवे तब देवे कर पैसा देवे तब लड़किया देवे तब लड़किया दे तो बन्नी कहे ले लिहे रह। अच्छा अब वही बहु पंखा चलत रहा पंखा का हवा हमारे नाती के लग गई है। क्या है कि एक डिलीवरी आई थी जो है मंडा क्षेत्र की थी जो है और यहाँ पे जब आई थी तो डिलीवरी हो चुकी थी उसकी लेकिन उसकी कनहरी नहीं प्लेसेंटा नहीं निकला था आउट नहीं हुआ था तो उसी को जो है मरीज भर्ती किया गया और बच्चा कम वजन का था जी। जैसा कि स्टाफ नर्स ने हमको अवगत कराया और रिकॉर्ड देखने से भी पता चला तो बच्चे का वजन जो है थोड़ा कम था इस वजह से यहाँ से रिफ़र किया गया और इसके बाद जो है मरीज़ ले नहीं गए जो है लेकिन जब मरीज़ के परिजनों से बात की गई तो मरीज़ के परिजनों का आरोप ये था कि हमको जो है यहाँ से देरदार किया गया है लेन देन के चक्कर में जो है तो इसकी प्रथम दृष्टया जो है जाँच का विषय है और इसमें जो है मरीज़ के परिजन की तरफ से एप्लीकेशन भी मिली है हमको और मैंने जो है जांच कमेटी गठित करके इसकी पूरी जांच करा के निष्पक्ष जांच करा के जो भी इसमें दोषी होगा जो भी स्टाफ का कर्मचारी उसके जो है खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आपका हॉस्पिटल का एक अक्सर नाम है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है वंदना करके जो कि आशा है यहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था जो कि सुनीता हॉस्पिटल का उसमें भी उनका अहम भूमिका था और इस मामले में भी इनका अहम भूमिका है। कहा जा रहा है 2100 रुपये का डिमांड था 500 रुपये देकर इन्होंने इनका पेपर। तो सर ऐसे आशाओं के ऊपर क्या उचित कार्रवाई?
नहीं नहीं बिल्कुल, यदि कोई भी आशा हमारी, कोई वंदना बस नहीं, कोई भी आशा इस तरह के कार्य में यदि लिप्त पाई जाती है कि किसी भी मरीज के परिजनों से पैसा ऐंठने का काम करती है या ब्लैकमेल करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि 2100 का 500 का क्या मामला है ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि कोई वंदना आशा यदि इन्वॉल्व है या कोई भी आशा इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी, क्योंकि प्रसव एक ऐसी चीज़ है जिसमें निःशुल्क प्रसव सरकारी सुविधा अस्पताल में उपलब्ध है। इसमें कोई भी चाहे स्टाफ हो चाहे आशा हो किसी को भी कोई पैसे लेने का अधिकार नहीं। एक और आरोप लगता है आशाओं के ऊपर, कहा जाता है कि जब यहाँ पे पेशेंट आता है डिलीवरी के लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेकर जाते हैं, ये आप कुछ हद तक सच कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे जो है रामनगर में ज़्यादा है, लेकिन अब इसकी ऑथेंटिकेशन न्यूज़ नहीं कि कौन लेके जाता है, और जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से नंबर ऑफ डिलीवरी मेरे अस्पताल से सीएससी रामनगर में बढ़ी है, पहले जो है कम होती थी उसका ग्राफ आज का बढ़ गया है, तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी जाना कम हुई है। सर जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो आशा देखी जाती हैं क्या उनका वहाँ पर रहना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, यदि आपके संज्ञान में कहीं कोई तो आपको आप हमको बताइए, लाइव छापा मार देंगे जो है। क्या ऐसी कुछ उनके साथ जिससे कि आपको मामले को संज्ञान में आया, कुछ मामला कि यहाँ पे कुछ आशा आए हैं आई हैं? क्योंकि मैंने तो ऐसे ऐसे आशाओं को देखा जो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में चाय नाश्ता समोसा करते हैं, अक्सर उनको हम देखते रहते हैं। आपको जिस दिन भी हमारे आशा दिखे किसी अस्पताल में और हमको फ़ोन करिए, हम चुपके से आ जाएंगे, देखें कौन आशा प्रेजेंट है। कैसे कोई आशा को प्राइवेट हॉस्पिटल जाने का अधिकार नहीं। हाँ अपना कोई मरीज मतलब उस तरह का कोई डिलीवरी के अलावा मरीज लेके जाती है, कोई कोई कह दिया कि चलो चलना है दिखा दो, वो अलग मैटर है, बट डिलीवरी का मरीज लेके जो है यदि आशा मौजूद रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कार्रवाई के दायरे में आएगी, क्योंकि अक्सर